हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो आज जो आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं आप इसी यूनिवर्सिटी के सामने आपको कि इसमें कितना स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा अप्लाई करने के लिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी प्रोसेस रहेंगे, एडमिशन प्रोसेस होती है, अप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से फिल करनी होती है, कहाँ पर रिलीज होती है, सारी चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपके सबसे पहले तो इस फॉर्म को जरूर फिल करना है और ये सारी चीज़ें करनी होती है। और इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल बनेगा इस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खाली कोटे यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021। तो यहाँ पर जब आप आपके ब्राउज़र में जब सर्च करना चाहेंगे तो एक्जैक्टली वही टाइप करना है जो मैंने टाइप कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ पर टाइप करना है IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको इस इंस्टीट्यूट के रिलेटेड सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको सर्च करनी है, सर्च करते हैं ये वाले एग्जैक्टली लिंक पे क्लिक करनी है, आप देख सकते हैं। सेकंड, और जैसे क्लिक करते हैं आप न्यू टैब में ओपन होंगे, यहाँ पर देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म सुन बोली गई आपके सामने। डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है, सिलेबस के बारे में बताया गया है, मतलब ये इस मतलब पूरे एडमिशन प्रोसेस है। ये प्रोसेस में आपको आते हैं जो आपको जब एग्ज़ाम रहेगा तब आपको काम आता है। तो सबसे पहले इस फॉर्म को तो ज़रूर फिल कर लेना है जो सामने आपके फॉर्म में, आपका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कौन से स्टेट के रहने वाले हैं, सिटी क्या है, कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस क्या है आपकी। फिर आप जो है गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साइन करें। तो यहाँ पर आप गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक कर देंगे तो ये ऐसा इस तरीके से सारी चीज़ें करनी होती है, तो आप ऐसा देख सकते हैं। तो ये देखे थे कि आपके सामने बताई गई कि एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी रिलीज होने वाली है वेरियस कोर्सेज के लिए। अब ये जो है देख सकते हैं कि अब बहुत पहला यूनिवर्सिटी है, 1878 से यहाँ पर ये चल रहा है, देख सकते हैं काले कोटे अनाउंस एटोनोमस कॉलेजेस यहाँ पर है, प्लेस इन बर्मापुर इन स्टेट ऑफ ओडिशा में है, ये देख सकते हैं। और ये इंस्टीट्यूट इज अलाइड और यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड कर दिए वेरियस अंडर ग्रेजुएशन के सारे प्रोग्राम्स और पीजी के डिप्लोमा एम फिल कोर्सेज के सारे स्ट्रीम्स, और जैसे आर्ट के हो गए या फिर साइंस, कंप्यूटर, कॉमर्स, तो ये सारी चीज़ें के स्ट्रीम्स आपको प्रोवाइड करती है। इसलिए इंटरेस्ट टेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सी यू सेट 2021 ओडिशा स्टेट यूनिवर्सिटी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट। तो इस तरीके से देख सकते हैं आपको बताई गई है कालीकोट यूनिवर्सिटी हाईलाइटेड बताई गई, यूनिवर्सिटी नेम देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने, फुल फॉर्म देख सकते हैं इसका। कोर्स ऑफर करती है यू जी पी जी डिप्लोमा, और अप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड से रिलीज कर दी जाती है, एग्ज़ाम मोड आपको बताई जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने, हेल्पलाइन नंबर के लिए हेल्पलाइन नंबर दे दी गई है, एड्रेस आपको यहाँ पर दे दी गई है, ईमेल आईडी यहाँ पर दे दी गई है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ईजी है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पर आपको बताई गई है तो वो भी देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करना होता है। जैसे कि यहाँ पर UPS यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जेडीगढ़ का यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, महारचना यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, SRMU SSIU। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, जिस पर आप क्लिक करते हैं तो उस वजह से क्या होगा कि आपका जिस यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन लेना होगा उसके सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे तो अप्लाई कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें वो अप्लाई करना होता है, रजिस्टर कर देंगे बस आपका हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपके सामने ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर देख लीजिए सी यू सेट बोला गया, तो इवेंट और डेट्स, तो ऑनलाइन मोड से रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर्म बोला गया है मार्च में होगा, फिर लास्ट डेट का भी ऑनलाइन मोड से रजिस्ट्रेशन करने का जून में, एप्लीकेशन करेक्शन डेट्स यहाँ पर जून में बोली गई है, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड का बोला गया सितंबर में, और RP and PG प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर सितंबर में बोला गया, अवेलेबल कभी आंसर की सितंबर में होगा। तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ें देख सकते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया यहाँ पर, आप देख सकते हैं सी यू सेट का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू वेरियस कोर्सेज के लिए। तो अब फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, फिल करने के बाद यहाँ पर आप पेमेंट भी करना होता है, पेमेंट भी एप्लीकेशन फॉर्म का कर लीजिए, 200 रुपीज़ जितना भी रहेगा अलग अलग हिसाब से कोर्सेज के हिसाब से। ये डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं उसमें अटैच करने हैं, जो आपको 12th के मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट बहुत सारे रहेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट, जो भी यहाँ पे सारी चीज़ें, फ़ोटो आपके लगेंगे और एड्रेस भी। तो ऐसे सारी चीज़ें करनी होती है, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी का होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए UG कोर्सेज के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं BA कोर्स में, ठीक है। आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस और या ये स्पेशलाइजेशन है, और ये स्टेट देख सकते हैं
सीट सॉरी 448 और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। आपको यहाँ पर आपके 12th कंप्लीट हुए रहनी चाहिए एकदम पास से मार्क्स से, और यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ एडमिशन के लिए आपका 12th कंप्लीट हुआ रहना चाहिए। तो ऐसे देख सकते हैं, फिर यहाँ पर भी आपको सिलेक्शन क्रिटेरिया बोली गई है, तो कंसिडर फॉर एडमिशन बेस्ड ऑन मार्क्स पे बेस्ड करता है जिस वजह से आप एडमिशन ले सकें। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आप मतलब देख सकते हैं, ऐसा आपको सारी चीज़ बताया गया। ओके, अब यहाँ पर आते हैं तो पीजी के लिए भी बताया गया, ऐसे पीजी के लिए भी आप क्या करेंगे ऐसे चेक करेंगे, एमए हो गया, मास्टर्स, एमएससी, एमकॉम, एमसीए, तो ये ऐसे देखना है कोर्सेस, और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, सीट्स, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, और सिलेक्शन क्राइटेरिया आपके क्या होना चाहिए, ऐसा आपको चेक करना है। एमफिल के लिए भी सेम यही प्रोसेस है, डिप्लोमा के लिए भी आपको इसी तरीके से स्पेशलाइजेशन, सीट्स, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया चेक कर देती है। ओके, और एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में आपको बताई गई है, तो कैसे प्रिपेयर करने हो तो ये भी जान लीजिए यहाँ पर, और एग्ज़ाम पैटर्न्स पहले जान लीजिए यहाँ पर। एग्ज़ाम पैटर्न्स जो यहाँ पर सिलेबस पर डिपेंड करता है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, पैटर्न्स तभी आप परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे, रिजल्ट आपकी अच्छी आएगी। तो ये सारी चीज़ के बारे में जानना है, पेपर्स पैटर्न और सिलेबस के बारे में, ताकि आप पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से। फिर यहाँ पर आपको हाउ टू प्रिपेयर कैसे करना होता है, आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हो तो यहाँ पर सब्जेक्ट विचार हर जो भी आपको हार्ड लगता है और जो ज़रूरत है पढ़ सकते हैं आप बिजली, जो है फ्रेश माइंड से आप पढ़िए, और इट इज़ रिक्वायरमेंट रिविज़न करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि रिविज़न करेंगे तभी आप जो साइज कर पाएंगे, फार्मूलाज रहेंगे उसे याद करना है, लर्न करना है, टाइम टेबल बनानी होती है, उसकी मदद से आप जो है स्टेप बाई स्टेप आपके टाइम के हिसाब से आप साइज कर पाएंगे। तो अगर प्रिपरेशन टिप्स के वीडियो अच्छे तो वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाकर के आपको चेक करनी होगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं प्रिपरेशन कैसे करनी होती है। एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पर बताई गई, आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड जो कंसीडर है, हॉल टिकट लेटर बोले जाता है उसे, परमिशन लेटर, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बताई गई। तो हॉल टिकट कहाँ से मिलेगा आपको, खाली कोटे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, वहाँ से आपको एडमिट कार्ड जो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे आपके एडमिट कार्ड का, फिर रिज़ल्ट डिक्लेयर कर जाती है आपका एग्ज़ाम होने के बाद, आप रिज़ल्ट डिक्लेयर कर जाती है, तो आप रिज़ल्ट कहाँ से चेक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से, गो टू ऑफिशियल वेबसाइट यूनिवर्सिटी के, एंड जो भी आपको ऑपरेशन फॉर्म नंबर दे मान पूछी जाएगी, और डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर या फिर तो ये मतलब पूछा जाएगा, तो उसमें से आप उसको फिल करके आपको जो है अपने रिज़ल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं आप। फिर एडमिशन प्रोसेस होने लगते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, यू जी पी जी और कोर्सेस प्रोग्राम्स के लिए देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ बताई गई, रिजल्ट के मार्क्स पे डिपेंड करता है, और आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं जिस वजह से किसी भी कोर्स में आप इंटरेस्ट और किसी भी कॉलेजेस में मतलब ले सकते हैं ऐसा। तो कुछ भी डाउट होता है आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।